विषय में विशेष ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? जो ईर्ष्या रहित है, जो श्रद्धालु है, वो इस ज्ञान को सुनकर भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान के बारे में ज्ञान सभी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते अगर उनमें ईर्ष्या है। ओके, दूसरा है कि श्रद्धा विहीन व्यक्ति को इस भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में उसको डाला जाएगा, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, उससे वो छूट नहीं सकता है। तो भगवान के ऊपर श्रद्धा भी रखनी चाहिए और दूसरा है कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अब भगवान बोलते हैं कि जब हम लोग किसी व्यक्ति से भगवान का जो अंश है उससे ईर्ष्या करते हैं, वो भी दिखाता है कि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। क्यों बोले तो भगवान का अंश, अगर हम उस अंश से ईर्ष्या करते हैं, इसका मतलब हुआ कि हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। ओके, सेक्शन 2 है 9.4-10, ऐश्वर्य का ज्ञान। कि पूरा भौतिक जगत के साथ, पूरे ये भौतिक जगत जो है इसके साथ भगवान कृष्ण का क्या संबंध है, इसके बारे में जो ज्ञान है वो दिया है 4-10 में। ओके, भगवान कृष्ण इस सृष्टि की रचना करते हैं, इसमें व्याप्त भी रहते हैं और इसका विनाश भी करते हैं। सो वो कैसे, ये सब अभी ये 4-10 में बताया जाएगा। फिर भगवान निर्देशक होने पर भी भौतिक जगत स्वतंत्र रूप से चलता है। सो डायरेक्टर है भगवान, फिर भी ये भौतिक जगत अपने आप में, बताया गया है 24 जो तत्व है वो अपने आप में पूर्ण है बोल के, सो ये अपने आप चलता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण चलाते भी हैं, उसके साथ साथ उदासीन तथा विरक्त भी हैं। हमने एग्जाम्पल में दिया था कि अगर हमारे घर कोई भी आता है, हमारी कैसी है कि हमारी विरक्ति नहीं है, इतनी आसक्ति है कि एक घर बनाया तो घर का गेट खोल के आ गया तो तुरंत हम कौन है बोल के हमको लगता है ये हमारी प्रॉपर्टी है, सो वैसे हमारी, लेकिन भगवान विरक्त हैं। ओके, सो सेक्शन 3 है 9.11-25। मूर्ख लोग भक्ति का उपहास करते हैं परंतु दैवी प्रकृति के लोग नहीं करते। सो यहाँ पर दुरात्मा और महात्मा के बारे में चर्चा हुई है, कौन भगवान का उपहास करते हैं और करुण भगवान को मानते हैं। ओके, सो मूर्ख लोग जो भगवान को साधारण व्यक्ति समझते हैं, वे अपने प्रयासों में असफल रहते हैं। वो सोचते हैं अरे भगवान क्या है कि निराकार थे, अभी कुछ कुछ कार्य करना है तो अवतार ले लिया, भी उनको साधारण व्यक्ति मानते हैं। लेकिन महात्मा जो जानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर दिव्य है, वे उनकी शरण ग्रहण करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। कुछ अन्य लोग हैं वो विभिन्न अलग अलग प्रकार से, अब इतनी सृष्टि बड़ी है तो इतनी सृष्टि में इतने प्रकार के लोग हैं कि वे अलग अलग प्रकार से भगवान को मानते हैं। कोई क्या सोचते हैं, वो एकत्व न बोल के एकत्व न पृथक्व न, ऐसे सब शब्द आए हैं। एकत्व का अर्थ है कि परमेश्वर अपने को एक मान के अपनी ही पूजा करना, कि मैं ही भगवान हूँ बोल के। दूसरे हैं परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले हैं, तो और तीसरे हैं भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। विश्व रूप की पूजा करने वाले जो है उनको विश्वतो मुखम कहा गया है, और परमेश्वर की मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे क्या सोचते हैं ये देवी देवता भी भगवान है, भगवान का अंश नहीं मानते हैं, वे सोचते हैं देवी देवता भी भगवान ही है बोल के। ओके, तो अलग अलग इस प्रकार अलग अलग प्रकार से पूजा होती है। ये श्लोकास है 11-25। फिर सेक्शन 4 में है 9.26-34, भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा की महिमा। ये हमारे लिए जरूरी है कि भगवान कृष्ण की सेवा का महत्व बता रहे हैं। शुद्ध भक्ति, यदि कोई भगवान को भक्ति भाव से पूछता है, अपने कर्म फलों को उन्हें अर्पित करता है, तो कर्म फल से मुक्त होकर भगवान के पास चला जाता है। सो हमको कर्म फल हम भोगना चाहते हैं, प्रॉब्लम हमारे साथ इसीलिए आती है कि हम कर्म फल को भोगना चाहते हैं, लेकिन अगर हम भगवान को अर्पित करते हैं तो कर्म फल हमको लगता नहीं है, हमारी मुक्ति हो सकती है। परंतु ऐसा पूजा एकदम सरल है, परंतु उसका फल जो है तो बहुत श्रेष्ठ है।
हमको कई बार लगता है, अरे इतना सिंपल भगवान का नाम लेने से क्या भगवत प्राप्ति हो सकती है क्या? क्योंकि हम सोचते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, इतना आसानी से भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि फल श्रेष्ठ मिलेगा लेकिन पूजा सरल है। कृष्ण भक्त के प्रति, कृष्ण भगवान भक्त के प्रति पक्षपात दिखाते हैं, हमारी ऐसी भावना है और कई बार ऐसे दिखता है, लेकिन भगवान उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। आप लोगों को क्यों लगता है कि मैं पक्षपात करता हूँ? ओके, मैं पक्षपात करता हूँ लेकिन क्यों करता हूँ, इसका वर्णन यहाँ पे आया है। फिर भक्तिमय से 9.32-34 में है कि भक्तिमय सेवा का शुद्धिकरण करती है, मन मना भव मद भक्तो जो है वो का यहाँ पे आता है कि हम भक्तिमय सेवा करेंगे तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण कैसे होगा। ओके, सो इसका श्लोक का बहुत अच्छा मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन आज टाइम भी कम हो गया। सो यहाँ पहला श्लोक जो है, भगवान श्री भगवान वाच इदम् ते तु गुह्यतमं प्रवक्ष्यामन् अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। सो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये तुमको गुह्यतम, मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तुमको दे रहा हूँ बोल के भगवान बोल रहे हैं। सो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा है इसको, कि यहाँ पे भगवत गीता के दूसरे तीसरे अध्याय में आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया था। ओके, इसको गुह्य ज्ञान कहा गया है। सेकंड और थर्ड चैप्टर में सांख्य योग और कर्म योग है, ये जो ज्ञान है उसको गुह्य ज्ञान कहा गया है। ओके, और हरे कृष्ण, कोई कुछ बोल रहा है? दिव्य हाँ, दिव्य गुह्य यानी सर्वश्रेष्ठ, गुह्य यानी सर्वश्रेष्ठ। गुह्य रहस्यमय। ओके, सो हाँ, उसको गुह्य कहा गया है। और सेवेंथ और एट जो ज्ञान ज्ञान दिया है उसको गुह्यतर कहा गया है, जो मीन्स जो पहले रहस्यमय था उसी ज्यादा रहस्यमय है। और यहाँ पे देखिए, गुह्यतमम अत्यंत गुह्य, सो सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा रहस्यमय जो ज्ञान है जो वो इस 9th चैप्टर में दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे भगवान बताते हैं कि मैं गुह्यतम ज्ञान तुमको देने जा रहा हूँ। क्यों दे रहे हैं? भगवान उनको एड्रेस करते हैं अर्जुन को, अनसूयवे, सो तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते। सो ये एक बहुत बड़ा गुण है, अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो भगवान का ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता है, भगवत प्राप्ति तो असंभव है। सो हमको ईर्ष्या रहित होके कार्य करना चाहिए। हे अर्जुन, जो कि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान ज्ञान और क्या है विज्ञान भी दे रहे हैं कि ज्ञान तो दूंगा मेरे बारे में, फिर उसको आचरण में कैसे लाना है वो विज्ञान में आता है। तुमको तुमको ज्ञान गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे बोल के भगवान बोल रहे हैं। सो यहाँ पे अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है, यह गुह्यतम ज्ञान है। गुह्यतम ज्ञान क्या है? अनन्य शुद्ध भक्ति हमको समझना चाहिए। कौन बोलेगा अनन्य भक्ति बोले क्या है? अनन्य भक्ति 2400 घंटे भक्ति में निरत रहना अनन्य भक्ति है, कृष्ण के चिंतन में लगे रहना और कोई 2400 घंटे। हरे हाँ, कृष्णा, और कोई बोलेगा हाँ, दंडत प्रणाम, अनन्य भक्ति क्या है? हाँ, दंडत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। केवल कृष्ण को भजना, इसके सिवा और किसी को नहीं, केवल कृष्ण को भजना ही अनन्य भक्ति है, भगवान की भक्ति करना कृष्ण की। वेरी गुड, हरी बोल माता जी। न अन्य, अनन्य का अर्थ है न अन्य, दूसरे ना किसी को नहीं। अब हम क्या करते हैं, हमने कई बार क्लास में चर्चा की है, अन्य अन्य के साथ हम कृष्ण को भी रखते हैं, हम इनकी भी पूजा करेंगे, उनकी भी पूजा करेंगे, इनकी भी पूजा करेंगे, कोई ना कोई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये हमारी टेंडेंसी रहती है, ये अनन्य भक्ति नहीं है। भगवान यहाँ 9th चैप्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कैसे केवल और केवल मेरी भक्ति करके मेरे को प्राप्त कर सकते हो, यहाँ पे ये बताया है। सो निरंतर सही है, लेकिन न अनन्य का अर्थ है न बस अन्य। ओके, आओगी ना?
बस और आउटकास्ट यहाँ पे बताया है कि सुनो बोल के। अब यहाँ पे अगले में देखो, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, इसीलिए उसको ये राज विद्या कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है ये। राज गुह्यम वो गोपनीय ज्ञान का राजा है, सबसे समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है। और मेन क्या है हमारे लिए, जो मेन है कि सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, हम नित्य इसको कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं, कुछ ध्यान लगाने का काम नहीं है, कुछ ऑसरिटी करने का काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम आराम से हैं इसको, इसीलिए सुसुखम कर्तुम अव्ययम ऐसे बोला गया है। ओके, सो आगे बताया गया है कि अभी इन दो श्लोकों में हमने पहले जो दो श्लोक थे, पहले तीन समझो कि यहाँ पे अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्रमाम निवर्तन मृत्यु संसार वर्तमने। पहले दो श्लोकों में एक्चुअली क्या बताया है इस ज्ञान के बारे में, अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रद्धा विहीन व्यक्ति को भौतिक जगत में बार बार आना पड़ता है, इसके बारे में यहाँ चर्चा की है। सो यहाँ पे भगवान बोलते हैं परंतप बोले तो इस ज्ञान को तुम प्राप्त कर सकते हो, शत्रु के ऊपर विजय जब प्राप्त कर सकते हो, शत्रु का विनाश कर सकते हो, तो अपने अंदर जो अज्ञान है उसका विनाश करके तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, इसके लिए उनको परंतप कहा गया है। सो भगवान बोलते हैं जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। सो हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमको केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर जो इतने जन्मों से इतने सालों से हम जो एक प्रकार का जो कर रहे हैं प्रकार की पूजा, हमको उसमें इतना विश्वास है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते, हमको डर लगता है छोड़ने को। लेकिन यहाँ पे देखो भागवत में एक श्लोक आया है, यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वारणम अच्युतेजा। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डाली टहनिया फल फूल सबको पानी पहुंच जाता है, इसीलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अरे हमने इनकी पूजा छोड़ दी, हमने उनके पूजा छोड़ दी। हाँ अज्ञान में थे तो हम सब कर रहे थे, लेकिन हम उनका अनादर भी नहीं करते, निरादर भी नहीं करते हैं, उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान की भक्ति में लगाओ, हमको भगवान कौन है मालूम नहीं था, अब हमको मालूम हो गया है तो हमको भगवान की भक्ति में लगाओ, सो ये हम भगवान से मांगते हैं। तो यहाँ पे क्या बता है कि इस प्रकार अगर हम वृक्ष की जड़ को सींचते हैं तो हमको क्या होगा कि सब संतुष्ट हम कर पाएंगे, अलग अलग पूजा करने की जरूरत नहीं है। सो फोर्थ श्लोक है, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानी सो न चाहम तेषु अवस्थितः। सो भौतिक जगत के साथ अपना क्या संबंध है ये बताते हैं। 9.4 टू 9.10 में यही बताया गया है कि मैं किस प्रकार इस जग के सारे विश्व के साथ मेरा संबंध, भौतिक प्रकृति के साथ मेरा संबंध क्या है। हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में बहुत अच्छा वर्णन है, लेकिन हम उसमें जाएंगे तो हमको इतना टाइम बस नहीं है। तो यहाँ पे एक ही है कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, भगवान का व्यक्त रूप भी है अव्यक्त रूप है, केवल व्यक्त रूप ही नहीं है और केवल अव्यक्त भी नहीं है। सो अव्यक्त रूप द्वारा भगवान की जो शक्तियां हैं एनर्जीज हैं, सो उनके द्वारा भगवान सर्वत्र व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, ये भगवान की स्पेशलिटी है। सो अब भगवान बोलते हैं
समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। लेकिन हमको मालूम है परमात्मा रूप में सारे जीवों में भगवान तो है ना, तो ऐसे वेदों में ये भगवद गीता में जो भी ऐसे कंट्रोवर्शियल है ऐसा, तो भगवान जो बोलते हैं आगे वो एक्सप्लेनेशन भी देते हैं किस प्रकार मैं हूँ किस प्रकार नहीं हूँ बोल के। ओके, नच मत स्थानी भूतानि पश्चमे योगम ऐश्वरम भूत वृन्न च भरतस्तो ममात्मा भूत भावनः। सो तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। सो भगवान बोलते हैं आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे सब है, यही मेरा योग ऐश्वर्य है। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। मैंने सारी सृष्टि बनाई है और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि इस विराट सृष्टि को जो नियम लागू होते हैं वो मेरे को नहीं लगते हैं, उस आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। राजनियम बनाता है लेकिन राजा को नियम लागू नहीं होते, उसी प्रकार मैंने सृष्टि बनाई है। और प्राइम मिनिस्टर नियम बनाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर जेल में जाता है तो जेल का हिस्सा नहीं है वो कैदी नहीं है। उनको क्या है कि वो जेल में भी जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। सो जेल के कानून जो है कैदियों के लिए है, उनके लिए नहीं है। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सो यहाँ पे बता रहे हैं कि वायु जिस प्रकार आकाश में, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणी मेरे अंदर है बोल के भगवान बोलते हैं। ये देखो कह है ना कि जो हवा है वो आकाश में ही, जो हवा चलती है आकाश के दायरे के बाहर नहीं जाती है, आकाश में ही वो जो भी बहना है वो हवा को जो बहती है वो आकाश में ही संचालित हो जाती है। उसी प्रकार हम भी भगवान के साथ जीव सारी जो सृष्टि है ये भगवान के अंदर ही रहती है, इससे बाहर इस दायरे से बाहर नहीं जाती। इसका एग्जाम्पल दिया है कि एक गाय को खूंटे से रस्सी बांधकर गले में गाय के खूंटे से उसको बांध दिया जाता है, लेकिन उसका दायरा क्या है कि वो रस्सी जितनी दूर तक जाएगी बस वहीं तक वो गाय जा सकती है। उसको फ्रीडम भी है लेकिन वो लिमिटेड फ्रीडम है। सो वो जहां चाहिए वहां नहीं जा सकती है, उसको थोड़ी सी उसको जो दायरा है उतने ही में वो घूम सकती है। ओके, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि पादौ विसृजाम्यहम्। सो यहाँ पे भगवान ने बोला है कि कल्प का अंत, ये सारे जीवों का लाइफ स्पैन कैसे, ये कब ये होते हैं उत्पन्न होते हैं, कब इनका विनाश होता है, तो भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का जो ये सारे जीव प्रकृति, जब भगवान इसके ऊपर महत्त्व के ऊपर दृष्टि डालते हैं दृष्टिपात करते हैं तो सारे जीव उत्पन्न होते हैं कारणोदक्षाई विष्णु के द्वारा। सो ये ब्रह्मांड सारे उत्पन्न होते हैं, सारे जीव उत्पन्न होते हैं, लेकिन और अलग अलग योनियों में अपना अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन जब समाप्त होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटा और उतनी ही बड़ी रात रहती है, ब्रह्मा जी 100 इयर्स तक जीते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो चतुर्युग है, चतुर्युग क्या कलियुग सॉरी सतयुग और त्रेता युग द्वापर युग और कलियुग, ये चार युग है, चार युगों को चतुर्युग कहते हैं। 4 युगास into 1000 इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन रहता है और ब्रह्मा जी की इतनी ही बड़ी रात रहती है।
ये सब अभी वो नंबर्स में बोलने नहीं जाऊंगी क्योंकि टाइम का शॉर्ट है, लेकिन इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात रहती है, उसको उनका 24 घंटे बोले तो इनका इतना बड़ा हो गया, और उसके बाद वो 100 साल जीते हैं। तो हमारे कंपैरिजन में ब्रह्मा जी का जीवन कैसे है, कितना लंबा है कि हम उसके सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान की जो सृष्टि है, भगवान ने जो काल बनाया है, उस काल के इसमें तो ये ब्रह्मा जी का जो लाइफ स्पैन है वो एक बिजली के कौंधने के समय, कितने कितने समय तक बिजली कौंधती है उतना समय ही है, इतना छोटा लाइफ स्पैन है ब्रह्मा जी का, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ा है। सो कल्प का ये उसको कल्प कहा गया है, 4000 को एक कल्प कहा गया है। तो एक कल्प के बाद भी ये होता है क्या, विनाश होता है सृष्टि का और प्रलय हो जाता है, और बड़ा प्रलय कब होता है कि ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होने के बाद, तब तो उसके बाद तो करोड़ों वर्षों तक सारे जीव कारणोदयक्षाय विष्णु के अंदर रहते हैं, और वापस जब सृष्टि हो जाती है तो वह वापस बाहर आके अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। ओके, प्रकृतिम स्वामधिश अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राममिमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से विनष्ट हो जाता है। सो भगवान बोलते हैं ये कुछ मेरे को करने की जरूरत नहीं है, प्रकट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको नाश करने के लिए, बस मेरी एक इच्छा ही काफी है हमको, हमारी इच्छा से कोई काम, हमको गुलाब जामुन खाना है, हम इच्छा करें तो हमारे सामने गुलाब जामुन बाउल नहीं आता है कि खा लो बोल के, हमको तो प्रयास करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे भगवान की एक इच्छा से सारी सृष्टि का निर्माण भी हो जाता है और उसमें उनका मेंटेनेंस भी हो जाता है और विनाश भी हो जाता है। न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् असक्तम् ते कर्मसु। भगवान ने हे धनंजय ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं, लेकिन हमारे कर्म जो है हमको बांधते हैं, हमने जो कर्म किए हैं पूर्व जन्म में उन्हीं कर्म के अनुसार हमको किसी भी योनि में हमको प्राप्त होता है, और उसमें जो हमने गलत कार्य किए थे उसके लिए हम भुगतना पड़ता है, उस योनि में आकर हमको कष्ट भी सहने पड़ते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं ये कर्म मुझे बांध नहीं पाते। इस प्रकार हम क्या है, हम इस भौतिक जगत से बंध जाते हैं कि पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, क्योंकि इस जन्म में आते हैं हम कष्ट को कुछ भी पाते हैं तो हमको कष्ट के सोल्यूशन के लिए हम और कुछ गलत काम करते हैं, वो कष्ट से बाहर निकलने के लिए जब हम डेस्परेट रहते हैं, हम बहुत मुसीबत में रहते हैं, हमको सही गलत की ये भी नहीं रहता है मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, हम कुछ गलत काम और भी कर देते हैं, वापस वो हमको वो गलत काम हमको अगले जन्म में वापस ये करेगा, इस भौतिक जगत से वापस बांधेगा। इस प्रकार हम बांधते रहते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। सो ये जीव और भगवान में जो अंतर है यह यहाँ पे बताया है। ओके, तो यहाँ पे ये प्रकृति ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे शक्तियों में से एक है। सो भगवान बोलते हैं ये भौतिक जगत जो है वो मेरी ही शक्ति है और मेरी ही अच्छता में कार्य की है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, इनके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट हो इसके शासन में। सो ये भौतिक प्रकृति का जो शासन है
उस शासन के अनुसार चर प्रकृति, चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, उनका विनाश होता है। लेकिन ये हमको लगता है कि ये कंट्रोल करती है भौतिक प्रकृति, लेकिन भौतिक प्रकृति के ऊपर किसका कंट्रोल है? भगवान बोलते हैं उसके ऊपर तो मेरा कंट्रोल है बोल के। ओके, अवजानंति माम मूढ़ा। मेरे पास एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है लेकिन टाइम का शॉर्टेज है तो हम बस आगे बढ़ रहे हैं। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। हरे बोल सुषमा माता जी, सुषमा माता जी आपका अनम्यूट है शायद। ओके, तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुआश्रितं परम भावं अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। सो यहाँ पे भगवान, ये सेक्शन थ्री है, ये सेक्शन थ्री स्टार्ट होता है 11th वर्स से और 25th तक है ये। सो यहाँ पे क्या बता गया है, मूर्ख लोग क्या करते हैं, भगवान का उपहास करते हैं, किस प्रकार करते हैं, और महात्मा क्या करते हैं, इसका वर्णन इसमें आया है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मैं मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मेरा जो दिव्य स्वभाव है उसको मूढ़ लोग नहीं जानते हैं, वे क्या समझते हैं हमारे तरह ही है भगवान। मे बी ही इज लिटिल मोर पावरफुल देन अस, कि मेरे से ज्यादा शक्तिशाली होंगे, उनके पास ज्यादा थोड़ा सा पावर हो सकता है, लेकिन ये भी जन्म लेते हैं, इनकी भी मृत्यु हो जाती है, इनको भी कष्ट आते हैं, इस प्रकार वे हमारे जैसे। ओके, तो नेक्स्ट श्लोक है मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। जब मनुष्य आसुरी वृत्ति में रहता है तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं उन्होंने जो कर्म किए हैं और उनकी मुक्ति की जो आशा है और ज्ञान है, ये सब वेस्ट, ये सब का कोई भी महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि वो मेरे को ही नहीं जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसे बताया गया है। तो मेन है कि वो बाकी सबके जैसे ही भगवान को सर्वश्रेष्ठ, ऐसा परम भगवान ऐसा नहीं मानते हैं, अरे सारे देवता में से वे भी एक है ऐसा सोचते हैं, उनके शरीर को भौतिक मानते हैं। ओके, सो यहाँ पे बताया गया बृहद विष्णु स्मृति में कहा गया है कि जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे स्मृति और श्रुति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसको तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए जिससे छूत दूर हो। इस प्रकार लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि भगवान, अब यहाँ पे बताया गया है कि क्यों हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो भगवान बोलते हैं अनसूयवे, अर्जुन को कहते हैं तुम ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए सक्षम क्यों हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति ईर्ष्या नहीं है। और हम कई बार सोचते हैं हमको कहां भगवान के प्रति ईर्ष्या है, हमको कहां हमारे भगवान के प्रति ईर्ष्या करने का हमको क्या जरूरत है, ऐसा पूरा हम सोचते हैं। लेकिन हमको समझना चाहिए हम किसी दूसरे जीव से, दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं तो यही भगवान के प्रति ईर्ष्या है। हमको भगवान के प्रति बोल के समझ में नहीं आता है। थोड़े से ऐसे नास्तिक लोग रहते हैं, एथिस्टिक लोग रहते हैं, वो डायरेक्टली हम भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं बोलते हैं। हम कैसे हैं, डरपोक है, हम भगवान
तो नहीं मानते हैं बोलने की, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन हम मन में ही मन में भगवान से, जब हम भगवान को ऑफर किए बिना बगैर कुछ पाते हैं, भगवान को दंडवत नहीं प्रणाम नहीं करते हैं, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, यही दिखाती हैं कि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। जब भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद, सब बोलते हैं कि मेरे लिए करो, जब हम नहीं करते हैं भगवान के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तब वो समझना चाहिए कि हम भगवान के प्रति ईर्ष्यालु हैं। ओके, सो 13 श्लोक है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता आश्रितः भजन्ति अन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा, जब यहाँ महात्मा की डेफिनेशन करते हैं, मीन्स महात्मा क्या करते हैं बोल के उसका वर्णन है, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। जो देखो भगवान को, भगवान ही सबका स्रोत है, भगवान का कभी नाश नहीं होता, वे अविनाशी हैं, अजन्मा है, ये सारी भगवान की क्वालिटीज को जानकर भगवान के प्रति उनका मीन्स आदर भाव है, भगवान के प्रति जिनका प्रेम है, ऐसे लोग जो है उनको महात्मा कहा गया है। और दे आर नॉट इल्यूजन, दे मोह में नहीं है, वो उनको मालूम है कि भगवान क्या है, जीव क्या है, हम क्या है, हम कभी भगवान नहीं बन सकते हैं, भगवान की क्या क्या क्वालिटीज हैं, सब जानने के कारण यहाँ पे भगवान बताते हैं वे दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। ये दैवी प्रकृति भी भगवान की है और जो ये भौतिक प्रकृति भी भगवान की है, एक महामाया है एक योग माया है। महामाया क्या करती है, हमको भगवान से दूर ले जाने का प्रयास करती है। कैसे दूर ले जाएगी, वो पहले टेस्ट, माता जी कुछ बोल रही हैं क्या, ललिता माता जी महामाया बहिरंगा शक्ति है, वो क्या करती है हमको, थैंक यू माता जी, तो वो क्या करती है हमको अलग अलग प्रलोभन देती है, अरे बेटा चाहिए बेटा ले लो, बहू चाहिए बहू ले लो, तुमको घर चाहिए घर देगी, गाड़ी चाहिए गाड़ी दे दी, बिजनेस बढ़ाना है और दो श्वाप बना लो, ये सब करके हमको भगवान से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद ये सब देने के बाद भी अगर हमारी ऐसी चेतना है बस मेरे को ये सब नहीं चाहिए, इन सब में के मोह में मैं नहीं आने वाली, मेरे को तो भगवान की कृपा, मेरे को तो भगवान की भक्ति चाहिए, अगर कोई ऐसा देख मीन्स अगर तो वो माया देवी ऐसा देखी है तो वो क्या करती है, वही योग माया बनकर हम लोगों को भगवान के पास ले जाती है। सो भगवान की ही ये दोनों शक्तियां हैं, एक तो है महामाया दूसरी है योग माया। सो योग माया जो है हमको भगवान के पास ले जाती है, महामाया जो है हमको भगवान से दूर ले जाने का काम करते हैं। सो ये देखो दैवी कृति के संरक्षण में ऐसे लोग रहते हैं तो उनको उनके ऊपर महामाया का असर नहीं रहता है, सो वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में है। ओके, सततम कीर्तयन्तो माम यश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नियुक्ता उपासते। ये महात्मा लोग क्या करते हैं, सो महात्मा लोगों को और कुछ काम नहीं है, उनकी और किसी चीज में रुचि नहीं है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः, सो ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं, भक्तिभाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ये महात्मा लोग क्या करते हैं, प्रयास पूर्वक, देखो बहुत आसानी से, अरे जल्दी उठो दो घंटे क्लास में बैठो, ये सब आन तो नहीं है, लेकिन इसका इसके लिए जो प्रयास करता है कि भगवान ने जो बोला है, सो यद करोशी यद अश्नासी बोला है, आप जो भी खाओगे मेरे को अर्पण करो, जो भी करोगे मेरे को अर्पण करो, जब ये सब बातें भगवान ने कहे हैं, भगवान के ये निर्देश है तो उसका पालन करते हैं, मेरे को नमस्कार करो, अब हम बोलते हैं अरे हमारी कमर दर्द कर रही है हम झुक नहीं सकते, लेकिन हमने प्रभुपाद जी को देखा है
70 साल की उम्र के बाद वो बाहर मींस विदेश गए थे और उसके बाद इतने सारे मंदिर उन्होंने बनाए। हम देखते हैं प्रभुपाद जी जब डेटीज के सामने जाते थे कितना कितना दास पूर्वक ये दंडवत प्रणाम करते थे। आज हम सोचते हैं हमसे नहीं होता, क्यों? हम प्रभुपाद जी को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो माया का असर है वो हमको बोलता है अरे तुम्हारी उम्र हो गई है। माया का असर दूसरे लोगों के द्वारा भी आ जाता है, माता जी आप झुक नहीं सकते, क्यों झुक रहे हो? तो सोचते हैं ठीक है हमको झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम ऐसे महात्माओं को देखते हैं तो हमको समझ में आता है ना, हमारी प्राणेश्वरी माता जी मंदिर में जाके उनको घुटने का दर्द है फिर भी भगवान के सामने झुकती हैं। तो ये सब क्या है कि हम ऐसे ये एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको झुकने का मन कर है, लेकिन हम दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे कोई किसी की बातों में आ जाएंगे तो हमको सकता है सच्ची हमारे पीठ में दर्द है ना, हम कैसे झुक सकते हैं, जाने दो भगवान हमारी यही सेवा मान लो। ये सही नहीं है। सो यहाँ पे महात्माओं के लक्षण बता दिए हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मम। अब यहाँ पे देखो 15वें श्लोक में जो बताया है यहाँ पे वो थोड़े से अज्ञानी लोग जो हैं मीन्स जो महात्मा नहीं है वो लोग क्या करते हैं, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में अद्वैय रूप में विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। सो यहाँ 15वें श्लोक में ये बताते हैं कि अलग अलग तरह से तीन श्रेणियां बताई हैं परमेश्वर के साथ अपने को एक मानकर पूजा करने वाले को कि मैं और परमेश्वर में अंतर नहीं है ऐसा समझकर पूजा करने वालों को, मैं भी ब्रह्म हूँ वो भी ब्रह्म भी बोथ आर वन। दूसरी श्रेणी है कि परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करते हैं। अब तो देवी देवताओं की भी बात चली गई, अब सारे लोग सारे गुरु आ गए हैं ना वही अपने आप को भगवान बोलते हैं और हमको क्या है हमारी भौतिक प्रॉब्लम कुछ भी सॉल्व करके देते हैं, हम तो हम इन्हीं को गुरु को ही या ऐसे ढोंगी गुरु को ही भगवान मान लेते हैं। ओके और तीसरे श्रेणी के है भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। सो इनमें से निकृष्ट है जो अपने आप को भगवान मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। सो यहाँ तो ऐसे लोगों से हमको ऐसे लोग भगवान की भक्ति में नहीं है। सो भगवान आगे बोलते हैं अहम क्रतु हम यज्ञ स्वधा हम अहम औषधम मंत्रो हम अहम एजम अहम अग्निम अहम हुतम, किंतु मैं ही कर्म कांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, औषधि हूँ, दिव्य ध्वनि ओंकार हूँ, घी हूँ, अग्नि हूँ, आहुति हूँ। सो भगवान देखिए हमको समझना चाहिए कि सृष्टि में जो कुछ भी है सारा भगवान से आया हुआ है। तो भगवान बोलते हैं ये सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं इस भौतिक जगत में। पिता अहम अस्य जगत माता धाता पिता माह वेद वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेव। भगवान ने ही चार वेदों को दिया है और भगवान बोलते हैं मैं ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्रय हूँ, पितामह हूँ और जानने योग्य जो भी कुछ है वो भी मैं ही हूँ। जानने योग्य क्या है वेदों का ज्ञान वो भी मैं ही हूँ। तो भगवान बोलते हैं मेरे सिवा और कुछ भी है नहीं इस भौतिक जगत में जो भी है। 25वें श्लोक तक भगवान यही अपने ऐश्वर्य को मीन्स यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं क्या क्या हूँ बोल के यहाँ पे 11-2 इसमें यही है कि मेरे को कैसे कैसे तुम समझते हो और महात्मा मेरे को कैसे देखता है दुरात्मा मेरे को कैसे देखता है। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी ये महात्मा ऐसे देखते हैं। देखो गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरोत प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं आपको पहुंचना है मेरे पास ही, मैं ही आपका पालन करता हूँ, मैं ही आपका स्वामी हूँ, आपकी जो भी जरूरतें हैं मैं ही पूरी कर देता हूँ,
मैं ही साक्षी हूँ। हमको मालूम है हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में आत्मा के साथ भगवान भी विराजित हैं परमात्मा के रूप में। सो मैं ही साक्षी हूँ, आप जो भी गलत सही करते हो वो सब मेरे को मालूम है। मैं ही धाम हूँ, सो फाइनल और डेस्टिनेशन गोलोक धाम ही है, भगवान का धाम भगवान से अलग नहीं है। शरण स्थली अत्यंत प्रिय मित्र, सो मैं आपका अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। 5.29 में भगवान ने बोला है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्व भूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सो भगवान बोलते हैं मैं ही सबका ये हूँ कि मित्र हूँ। देखो मित्र ही हमारे साथ सदा बना रहता है, बाकी लोग क्या है आएंगे जाएंगे, मित्र सदा बना रहता है। और हमने देखा है कि भगवान मित्र के रूप में किसी भी योनि में हमारे साथ रहते हैं, खाली मनुष्य योनि में नहीं। ये सबसे बड़े मित्रता का ये प्रमाण है। सो मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूँ, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। सो ये भगवान इस प्रकार, और ये जो महात्मा है भगवान को इन सब रूप में देखते हैं कि इस प्रकार भगवान सभी में है बोल के। तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदत् सच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन मैं ही ताप देता हूँ, ये सूरज की रोशनी जो है सो भगवान ही सूरज को प्रेरित करके सूरज की रोशनी हमको मिलती है। वर्षा को रोकता हूँ और लाता हूँ, क्योंकि ये सारे जो देवता हैं हमको वर्षा देने वाले ताप देने वाले ये हवा के ये सारे जो हैं ये भगवान के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। इसलिए ये भगवान अगर निर्देश नहीं देते हमको ये कुछ भी नहीं मिलता था। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं ही हूँ बोल के, और मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। सो बोलते हैं भगवान हमेशा बोलते हैं कि भक्त को मैंने भक्त को मैं भगवान के रूप में प्राप्त होता हूँ, और जो अभक्त है उसको क्या है मैं मृत्यु के रूप में प्राप्त होता हूँ। तो सारे लोग भगवान के मीन्स सारे लोगों के पास भगवान है, किसी को मृत्यु के रूप में प्राप्त होते हैं, किसी को भगवान के रूप में प्राप्त होते हैं भगवान। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। सो जो डेड मैटर है वो भी मेरे से है, जो आत्मा है वो भी मेरे स्पिरिट है जो वो भी मेरे से है। ओके त्रय विद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञे रज्ञै दृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकम अश्नन् दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। थोड़े लोगों को क्या है हमको वेदों को पढ़ना है, वेदों में जो दिया है वैसे हमको आचरण करना है। वेदों का ज्ञान इतना गहन है कि हम सब वेदों का हम कितना भी बचपन से पढ़ना शुरू कर दे तो भी हम मरने तक वेदों को पूरा पढ़ नहीं सकते, पढ़ेंगे तो समझ नहीं सकते हैं। लेकिन थोड़े से लोगों को ये क्रेज रहता है कि हमको वेदों का ज्ञान भी चाहिए, और में और ज्यादातर लोगों की आसक्ति जो है कर्म कांड में रहती है। कौन बोलेगा कि कर्म कांड में क्या दिया हुआ है, कर्म कांड में क्या दिया हुआ है? देवताओं के बारे में पूजा विधि कैसे करना है उसके बारे में। देवताओं की पूजा करके आपको क्या प्राप्त हो सकता है, ये करो वो करो वो करो, आपको हमेशा यंग रहना है, बहुत लंबे आयु चाहिए, नहीं तो बहुत सुंदर पत्नी चाहिए, ये सारे इसके लिए सॉल्यूशंस कर्म कांड में दिए हुए हैं। अभी आपको स्वर्ग प्राप्ति चाहिए, सबको तो स्वर्ग प्राप्ति का जब हम छोटे थे तो हमको एक ही मालूम था कि एक स्वर्ग है, ये भौतिक जगत तो है ही है, एक स्वर्ग है और एक नरक है। तो हम सोचते थे नहीं बाबा हमको नरक में नहीं जाना, हम तो स्वर्ग में जाएंगे। और थोड़े से बड़े हो गए तो हमको पता चला कि मोक्ष भी कुछ चीज है, स्वर्ग से अच्छे हैं। तो हम सोचते थे हमको तो मोक्ष चाहिए, लेकिन देखो भगवत धाम के बारे में किसी ने बताया भी नहीं था, भगवान का भी एक धाम है। आप लोग जो है मारवाड़ी वगैरह इन सबको मेरे को लगता है शुरू से ये ज्ञान रहता है,
लेकिन हम लोग ऐसे अज्ञान में थे कि हमको मालूम भी नहीं था कि भगवान का कोई धाम अलग से है बोल के, हमको मालूम था स्वर्ग है नरक है और यही यही है। तो ऐसे तो हरे कृष्णा माता जी, हमको भी नहीं था, हमको भी नहीं मालूम था। अच्छा, आपको भी मालूम नहीं था। ओके ओके, क्योंकि आप लोगों के ऊपर संस्कार ज्यादा रहते हैं वैसे, मीन्स तो मेरे को लगा कि आप लोगों को ओके, सो ज्यादातर लोगों को ये सब मान रहता होगा कि भगवान का एक धाम है। हम बस इसमें आने के बाद पता चला भगवान का भी एक अलग से धाम बोलते। तो यहाँ पे कई लोगों को क्या है, हमको स्वर्ग चाहिए। क्यों स्वर्ग चाहिए? यहाँ भौतिक जो भोग रहे हैं, जो ये भौतिक सुखों के प्रति आसक्त रहते हैं, उनको क्या लगता है कि हमको स्वर्ग में जाएंगे तो इससे बहुत अधिक मात्रा में ये सारे सुख, इससे भी अधिक सुख हमको वहां पे प्राप्त होंगे। तो यहाँ शराब पीने वाले हैं, उनको लगता है वहां सोमरस की प्राप्ति होगी, वो तो बहुत अच्छा ये है, नशा देने वाला है, तो हमको वो मिलेगा वहां पे। तो ऐसा करके वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, ये करने से स्वर्ग प्राप्ति होगी, वो करने से स्वर्ग प्राप्ति होगी। ओके, हम करेंगे क्योंकि हमको स्वर्ग जाना है। ओके, सो सोमरस का प्राप्त पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन भगवान बोलते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की जो इच्छा करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति को जो पहुंचने का प्रयास करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। क्योंकि फाइनली वो जो अभी देखो स्वर्ग प्राप्ति के लिए इंद्र की पूजा करनी होगी, तो इंद्र की पूजा करते हैं तो वो जो भी है, वो इंद्र को जो भी प्राप्त होता है वो क्या करते हैं, इंद्रदेव तो भगवान को ही पहुंचाते हैं, उनका प्रसाद वो फिर देते हैं, लेकिन पहले वो तो उनके ये प्रतिनिधि हैं, तो उनको पहले पहुंचाएंगे, अरे आपको इला है उसमें से हमको कुछ प्रसाद दे दो। तो ऐसा करके तो भगवान बोलते हैं वो मेरी ही अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। से ये जिनको आनंद भोगने की इच्छा है वो वहां पहुंच जाते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम काल भन्ते। अब ये लोग भी क्या करते हैं, वहां पे जाके उनको क्या मिलता है, वहां पे ये सब मिला, लेकिन जैसे कि हम बहुत पैसा इकट्ठा करके अगर हम एक 7-स्टार होटल में जाते हैं, हमने बहुत पैसा इकट्ठा किया, बहुत मेहनत की है, तो हमका भी एंजॉय करना है तो जाएंगे। जब आप वहां पे बुक करते हो, कमरा बुक करते हो, आपको बहुत ट्रीटमेंट मिलेगा क्योंकि आप पैसे लेके आए हो। तो लेकिन आप जितने दिन आपके पैसे साथ में है, जब तक आपके पैसे हैं, आपका धन है, आपको बहुत राजा की तरह ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन जैसे ही पैसे खत्म हो गए, आपका सामान बाहर फेंक दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। उसी प्रकार इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्ग स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं। हम पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोग जाते हैं, लेकिन वहां जाके एंजॉय कर दिया, सो बैलेंस जीरो हो गया, तो क्या करते हैं, वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। सो देखो, ये तीनों वेदों को पढ़ते हैं और इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए वो सोचते हैं, वेद इसीलिए है कि इंद्रिय सुख प्राप्त हो जाए, तो इनको यहाँ पे बताया है जन्म मृत्यु का चक्र ही उनको मिलता है। अनन्य, अब यहाँ से जो है हमको अनन्य भक्त के बारे में बताया है। सो अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। लेकिन भगवान बोलते हैं जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। ये स्टोरी तो अर्जुनाचार्य की स्टोरी आप सबको मालूम है, यहाँ डिस्कस करने को टाइम नहीं है, लेकिन भगवान ने अपने एग्जाम्पल से दिखा दिया कि अगर आपके पास जो भी है
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, कौन इसकी रक्षा करेगा, भगवान बोलते हैं मैं खुद रक्षा करूंगा। और जो है कि लेकिन अनन्य भाव वो जरूरी है, न अन्य दूसरे किसी को नहीं भगवान को। हमारे घर दो बार ऐसा हुआ, वो महाशिक प्रभु जी के घर में आश्रम में ये था, जन्माष्टमी थी, मैं पहले सेवा में गई थी, हमारे प्रभु जी रात को 11 बजे आए, आधा रास्ता पहुंचे तो उनको याद आ गया घर का दरवाजा खुला है, मैंने बंद नहीं किया। लेकिन फिर वो बोले मैं पूजा के लिए जा रहा हूँ ना, तो वापस घर कैसे जाऊं, तो मालूम रहते हुए भी पूजा के लिए जा रहा हूँ भगवान रक्षा करेंगे, वो वहां गए। रात को हम 2 बजे वापस आ गए, पूरे लाइट जल रही है, दरवाजा खुला है, मैं बोली आ गया, तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं जाते टाइम ही ये दरवाजा खुला था, लेकिन मैं सोची कि भगवान के दर्शन को जा रहा हूँ, पीछे क्यों आऊं। तो भगवान ने देखा, ये नहीं कि हम अनन्य भक्त हैं, लेकिन भगवान ने देखा मेरे ऊपर इनकी श्रद्धा है, इसको मेरे को दृढ़ करना है। तो उन्होंने वो मेरे को तो यह हो गया, मैं सोची अंदर नहीं नहीं मैं ही छोड़ के गया था। तो ऐसा एक इंसिडेंट से हमको पता चलता है कि हम अगर भगवान के ऊपर थोड़ी भी श्रद्धा करते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन फिर भी हम करता हम इति मन्यते की जो भावना जो हमारे अंदर इतनी स्ट्रांग है ना, कि बचाने मेरे घर को बचाने वाला मैं हूँ, वो ताला ही मेरे घर को बचा देगा, भगवान नहीं बचाने वाला, वो ताला बचाएगा। ये जो हमारा अज्ञान है, इस अज्ञान को हमको त्यागना होगा, नहीं तो हम ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही मरेंगे। सो अर्जुन का एग्जाम्पल आप सभी को मालूम है, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्वितः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवों के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु त्रुटि पूर्वक ढंग से करते हैं। ओके, जब हमको आना है, कई बार ऐसे हो जाता है कि हम जानते नहीं है कि भगवान कौन है और देवी देवताओं की पूजाओं में लग जाते हैं। भगवान यहाँ बोलते हैं ये मेरी पूजा करते हैं लेकिन त्रुटि पूर्वक, अविधि पूर्वक, हम त्रुटि पूर्वक ढंग से करते हैं। लेकिन कई बार हम लोग सोचते हैं, अब कई लोगों को मालूम नहीं, अब जैसे इस्कॉन में आने से पहले मेरे को मालूम नहीं था भगवान कौन है, आज मेरे को प्रभु जी ने क्लास देने को बिठाया है जिनको ऑलरेडी मालूम है कि भगवान कौन है, लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मेरे को मालूम नहीं था कि कौन है। मैं सोचती थी पहले प्रभु जी का जब कैंप अटेंड किया तो प्रभु जी ने एक सवाल पूछा था कि भगवान कौन है, मेरे को लगा क्या बेतु का सवाल है, अरे 33 करोड़ देवी देवता सब भगवान नहीं है क्या, ऐसे मन में आया। 9 दिन में पता चल गया, पहले ही दिन पता चल गया कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, बाकी सारे देवी देवता हैं वैसे। सो इस प्रकार इस आने से पहले मेरी फ्रेंड एक करती थी यहाँ पे वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप, मेरे को लगा, मैंने पूछा ये क्या करती हो, तो बोली नहीं ये हरे कृष्ण महामंत्र है, तब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी। तो मैंने बोला बोलो तो क्या है, क्योंकि हमको भी भगवान का कुछ मीन्स कुछ भी स्पिरिचुअल करने का इंटरेस्ट तो रहता है। मैं बोली बोलो तो क्या है, तो बोली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं बोली हरे बाप रे, ये इतना बड़ा मंत्र, मेरे को सुबह 8 बजे कॉलेज पहुंचना रहता है, मैं तो ये नहीं कर सकती। लेकिन मेरे को कुछ करना था, तो मैंने बोला अरे मेरी मम्मी बोलती भगवान शिव जी ना आशुतोष हैं, थोड़ी भी भक्ति करो तो प्रसन्न हो जाते हैं, मेरे पास समय की कमी है, मैं ना ओम नमः शिवाय करूंगी। मैं भी 2-3 करके जाती थी ओम नमः शिवाय की। लेकिन उसके बीच में ही 2-3 महीने ही बस हो गए थे, उसके बीच में महाशिंग प्रभु जी का फर्स्ट टाइम बड़ों के लिए कैंप लगा था बच्चों के साथ साथ, फिर उसमें ज्वाइन किया मैंने, उसमें ज्वाइन किया और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आई थी, मेरा कुछ ऑपरेशन हो गया था। तो ऐसी अवस्था में भी पूरा 9 दिन वहां पे बैठी पर मैंने पूरा अटेंड किया, उसके बाद जॉब छोड़ दिया, पूरा इसी में लग गई। सो इट बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। तो शिव जी ने मेरे को बता दिया आपकी श्रद्धा, शिव जी ने मेरे को मेरी श्रद्धा नहीं है, अगर हम अश्रद्धा से भी देवताओं की पूजा करते हैं, बैठने की जो श्रद्धा पूरा करने की, वो शिविर अटेंड करने की जो आपकी लगन थी वो, हाँ। तो इसलिए तो क्या हुआ कि
मैं जानती नहीं थी, लेकिन उसमें सब पता चल गया। उसके बाद जॉब छोड़ के पूरी तरह इसमें लग गए। तो अगर हम नहीं जानते हैं कि भगवान कौन है, और ऐसी अवस्था में हम किसी देवता को पूछते हैं, तो देवता हमको रास्ता दिखाते हैं। हमने कई अन्य भक्तों से भी सुना है कि वो भी कैसे इधर जाते थे, उधर जाते थे, उधर जाते थे, और फाइनली इसमें आ गए थे, दृढ़ हो गए। मेरे और दो भी तो ये थे, विपासना करना है, सिद्धि समाधि योगा करना है। अब इसमें आने के बाद पूरा मेरा हो गया कि और कहीं भी नहीं जाना है। सो ऐसे भगवान की ऐसी कृपा रहती है अगर हमारी तीव्र इच्छा रहे तो। ओके, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तुम अभी जानन्ति तत्वेनातश्चवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता था स्वामी। सो हम यज्ञ बोले तो क्या है, हम जो भी कार्य करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए वही यज्ञ है। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसा। अतः लोग जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते वे नीचे गिर जाते हैं। सो इस बात को जो जानते नहीं है और कुछ करते रहते हैं, तो देखो वो उनका अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षण के लिए देवताओं को पूछते हैं, अतः वे संसार में आ गिरते हैं। उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही है, भगवत भक्ति करके भगवत धाम को चले जाना। यान्ति देव व्रतान देवान पितृन यान्ति व्रता भूतानि यान्तु भूते चा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के धाम को जाते हैं, और पितरों की पूजा करने वाले उनके लोगों को जाते हैं, भूत प्रेतों की उपासना करने वाले उनके बीच जाते हैं, मेरी पूजा करने वाले मेरे साथ रहते हैं। फिर 26 श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरतम अश्रामी प्रयतात्मनः। यहाँ पे भक्ति शब्द दो बार आया है। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं आप कुछ भी अर्पण करो, यद करोषि यद अश्नासि, भगवान बोलते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं वो किस प्रकार मेरे को अर्पण करना चाहिए, भक्त्या भक्त्या। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सो यहाँ पे प्रभु जी हमेशा बोलते हैं, उन्होंने जो नए बैचेस को जो 18 डेज के कोर्स में उन्होंने सबको एक ही बताया कि आप लोग क्या करो, अगर आप भगवान को कुछ भी भोग नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पे भगवान की कृपा से हमारे पास जो भी डिवोटीज आए हैं, सारे डिवोटीज तो भगवान को बड़े अच्छे डिवोटीज हैं, भगवान को भोग लगाना उनको मालूम है इसीलिए। लेकिन कम से कम प्रभु जी बोलते हैं रोज पानी का एक गिलास, विदाउट फेर पानी का एक गिलास तो भी भगवान को ऑफर करना चाहिए, और उसके बाद आप उसको बढ़ाते जा सकते हो। लेकिन भक्ति से ये करना चाहिए, भगवान को याद रख के। भक्ति कैसे है, हम भगवान को, भक्ति अगर हमारे अंदर है तो हम याद रख सकते हैं, अरे आज भगवान को जल नहीं चढ़ाया, अरे आज भगवान को फूल नहीं चढ़ाया, जब कुछ फ्रूट नहीं चढ़ाया, ऐसे पूरा। ओके, सो इतना ही काफी नहीं है, जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए, लेकिन मिनिमम तो इतना करना चाहिए। लेकिन उसके लिए भक्ति 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 आवश्यक है। यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, खाते हो, अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अब यहाँ पे देखो हमको बहुत अच्छा मौका है, हम किस सेंटर से जुड़े रहते हैं, तो हम जो भी करते हैं उसे हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। कोई सोच सकता है अरे हमको मंदिर जाने की क्या जरूरत है, हम घर में ही ऑफर कर सकते हैं ना बोल के। हाँ, घर में ही ऑफर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, घर में ऑफर करते हैं हम खुद ही खाते हैं, हम खुद ही कुछ भी भगवान को ऑफर करेंगे हम ही यूज करेंगे। उसके बदले आप करो साथ साथ हमको क्या करना चाहिए कि हमको मंदिर में कुछ तो भी देना चाहिए। इससे क्या हो जाता है ना, हमारी जो देने की वृत्ति है हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा है, और जब तक हमारी आसक्ति नहीं छूटेगी तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। हम कितना भी मेरे तरह लेक्चर दे दो, कुछ भी कर दो,
हमारे अंदर प्योरिटी नहीं आएगी जब तक हम आसक्ति को नहीं छोड़ेंगे। हम जप करते हैं, हम चार नियमों का पालन करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी आसक्ति नहीं जाती है, तो आसक्ति ही हमको इस भौतिक जगत में बांध के रखेगी। सो आसक्ति हमें यहाँ से छूट नहीं गी, क्योंकि बोलते हैं कि मरने के टाइम माँ जब शरीर को छोड़ती है तो 40,000 बिच्छू एक साथ काटे उतना हमको दर्द होता है। ये दर्द क्या है कि हमारी जो आसक्ति है, मेरे को बच्चों के प्रति आसक्ति, पति के प्रति आसक्ति, घर के प्रति आसक्ति, मेरी साड़ियों, मेरी ज्वेलरी, मेरा घर, मेरा गाड़ी, इसके सबके प्रति जो आसक्ति है, मेरे परिवार के जन, एक एक आसक्ति जो है वो बिच्छू के काटने के समान है। तो हमारी आसक्तियां इतनी सारी हैं कि वो आत्मा शरीर को त्यागने के लिए तैयार नहीं होता है, हमको बहुत तकलीफ होती है। ऐसी तकलीफ में हम भगवान को कैसे याद कर सकेंगे जब हमको कुछ भी आसक्ति नहीं है। एक आसक्ति है परमात्मा से जुड़ने की, भगवान से जुड़ने की, और जन्म जो पूरा जन्म हम अगर भगवान के नाम का जप करेंगे, जप ही नहीं भगवान को याद करेंगे, भगवान के लिए सारे कार्य करेंगे, तो क्या हो जाता है कि ये सारी आसक्तियां धीरे धीरे ये गांठे जो हैं टाइट है। लेकिन अगर हम ये आसक्तियों को छोड़ देते हैं धीरे धीरे, तो ये गांठे लूज हो गई तो आत्मा को शरीर छोड़ने के लिए आसानी हो जाती है। तो इसका अभ्यास करना जीवन जीवन भर अभ्यास करना जरूरी है। शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। भगवान बोलते हैं, हमको कई लोग लगता है अरे भगवान पार्शल है, भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनते हैं। भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मेरा तो किसी से मैं द्वेष नहीं करता हूँ, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। देखो सबके साथ एक जैसा एक पिता है, तो पिता है तो बाहर के लोगों के बाहर के बच्चों के साथ भी उनका अच्छा व्यवहार हो सकता है, बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार होगा, लेकिन जो बात मानने वाले बच्चे हैं उनके साथ वो समभाव रखते हैं, फिर भी उनके साथ उनका व्यवहार अलग होगा, उनके प्रति उनका प्रेम ज्यादा होगा, क्योंकि वे उनकी बात मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। इसी प्रकार भगवान भी, पार्शियलिटी नहीं है भगवान में, लेकिन ये आदान प्रदान जो होता है वो प्रेम के ऊपर निर्भर करता है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान अब सबको प्रसाद बांटता है भक्ति निवास में, लेकिन ऐसे स्पेशल डिवोटी रहते हैं, मिलता है कि स्पेशल वहां महाप्रसाद सभी को नहीं मिलता है, थोड़े ही लोगों को मिलता है, सही है कि नहीं? तो ऐसे क्यों, वो स्पेशल कृपा है। ओके, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेवसमन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे सहु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। ये श्लोक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों बोले तो हम देखते हैं कोई भी भक्त कुछ भी गलत करता है तो हमारी नजरों में एकदम वो उतर जाता है, अरे इसने ऐसे किया, ये ऐसा करता है, वो जप कर रहा है, वो सेवा कर रहा है, सब करता है, लेकिन उसने ऐसे किया, बोले तो हमारी नजरों में वो नजरों से उतर जाता है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, भक्ति में रत है, ये क्या हो जाता है, अपने पूर्व संस्कारों के कारण, अपने पूर्व जो हमारे जो मन में जो इच्छाएं हैं, मन में जो प्रोक्लिविटी है, जो मन में हमारे अभी तक वो आसक्ति गई नहीं है, इसके कारण कई बार एक अच्छा भक्त भी कुछ गलत काम करता है, लेकिन अगर वो भक्ति में लगा हुआ है, अगर वो नाम जप करता है तो किसी से भी गलती हो सकती है। तो भगवान बोलते हैं
साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु मानना चाहिए, तो वो कैसे भी भक्ति में आगे बढ़ेगा, भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं घोषणा कर दो, क्योंकि इतना मेरा दृढ़ निश्चय, मैं मेरे भक्त की कुछ भी विनाश होने नहीं देता हूँ। सो इसलिए तुम घोषणा कर सकते हो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता बोलके। माम ही पार्थव पाश्रित्य येपि स्यु पापो नयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम्। जो देखो मेरी शरण ग्रहते हैं व्यपाश्रित्य, सो भगवान बोलते हैं मेरी शरण लेना जरूरी है। भगवान राम जी बोल रहे थे कि रावण भी मेरी शरण में आ जाएगा, विभीषण को भी शरण देने के लिए हनुमान जी बोल रहे थे, अरे विभीषण को शरण दे रहे हैं, रावण का भाई है तो आप उसका भरोसा कैसे कर सकते हो। तो राम जी ने क्या बोला, अगर स्वयं रावण भी मेरी शरण में आता है तो मैं उसको माफ करूंगा। तो भगवान ये दयालु हैं। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो उनकी जो कृपा है वो किसी जाति के ऊपर, किसी लिंग के ऊपर, किसी उसके ऊपर नहीं है, वर्ण और आश्रम के ऊपर नहीं है। जो भी भगवान की शरण करते हैं उनको भगवान परम धाम की देते हैं। किम कुन ब्राह्मण पुण्या भक्ता राजर्षयस तथा अनित्य अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भक्त राजस्यों के लिए तो कहना ही क्या है, अतः क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान खुद बोला है इस भौतिक जगत को दुखा शाश्वतम, वापस वे बोल रहे हैं ये क्षणिक दुखमय संसार है बोल के, अनित्यम असुखम बोल के बोल रहे हैं ये संसार अनित्य है, सुख नहीं है इसमें। तो आप क्या करो कि मेरी प्रेमा भक्ति करो और मैं आप हाँ मैं अपने अपने आप को लगाओ तो क्या है आपका उद्धार, आपको भगवत परम धाम की प्राप्ति हो ही जाएगी। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेवम आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बन मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझके प्राप्त हो। देखो कितना सिंपल फॉर्मूला बताया है भगवान ने, लेकिन हम कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने में इंटरेस्ट रखते हैं। ये व्रत रखा, ये किया, वो किया, वो किया, ऐसे में हमको रुचि है। लेकिन भगवान ने सिंपल फॉर्मूला बताया है कि मेरी भक्तिमय सेवा करके तुम किस प्रकार मुझे प्राप्त कर सकते हो। ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा, सो उसके ऊपर और कुछ भी नहीं, नेवर फॉरगेट क्या, रिमेम्बर ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। सो भगवान को हम उसको क्या है वो प्रभु है, भगवान को हमेशा याद रखना, भगवान को कभी भी नहीं भूलना। इतना अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, लेकिन हम ये करने को तैयार नहीं है। सो आई एम वेरी सॉरी कि आज आपको देरी तक बिठा दिया हमने, लेकिन ये हो गया कि आज ये नहीं था, मींस थोड़ा कंफ्यूजन था, इसके लिए ऐसे हो गया। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी, कोई बात नहीं है, हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, हमारी परीक्षा हुई कि हमें कितनी लगन है, हम कितना वेट कर सकते हैं भक्ति के लिए। तो वेरी सॉरी, आज मैं कंफर्म कर लेती प्रभु जी से कि वे क्लास लेना चाहते हैं कि क्या बात है, अगर वे लेना चाहते तो कल से वो ले लेंगे। और क्योंकि आज सुरभि कुंज के भी क्लास थी, कल उनका मैसेज आ गया था कि कल से मैं कंटिन्यू करता बोल के, तो इसीलिए आज मैं तैयार नहीं कि आज आपकी क्लास तो प्रमाशिक प्रभु जी लेंगे बोल के, लेकिन एकदम से वो क्लास लेनी थी तो इसी कंफ्यूजन में कोई किसी का डाउट है, कोई बात, कोई क्लेरिफिकेशन कुछ भी, हरे कृष्णा।
किसी कोई डाउट है, कुछ भी है तो बोलिए, सबको जाने की जल्दी है इसलिए मैं फोर्स नहीं करूंगी। थैंक यू ना माता जी, आपको पोते के साथ भी अच्छे से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू मैम, थैंक यू। हरे कृष्णा वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य वच पितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभुपाद की जय।